उत्तर प्रदेश को गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने का रास्ता काफी हद तक साफ हो गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को 20 नवंबर 2021 को राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अथॉरिटी के सचिव द्वारा पर्यावरण मंजूरी मिल गई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 2006 की अधिसूचना के तहत आने वाली परियोजनाओं के लिए काम शुरू करने से पहले पर्यावरण मंजूरी हासिल करना जरूरी होता है। एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि यूपीडा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस मंजूरी की जानकारी देते हुए बताया कि अधिसूचना नियमों के तहत यूपीडा के लिए पर्यावरण प्रभाव प्राधिकरण द्वारा मंजूरी ले ली गई है। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की अनुमानित लागत 36,230 करोड़ रुपए है। ये परियोजना पीपीपी मॉडल पर बनाया जाएगा और डिजाइन, निर्माण, वित्त संचालन और हस्तांतरण के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। परियोजना के लिए टेंडर प्रक्रिया पहले से ही तेजी से की जा रही है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ जिले के बिजौली गांव में मेरठ बुलंदशहर राजमार्ग NH 334 से शुरू होकर प्रयागराज जिले के जुड़ापुर दांडू गांव के पास प्रयागराज बाईपास NH 19 पर खत्म होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के बाद अब मेरठ से बिहार तक का सफर भी अगले 4 वर्षों में आसान हो जाएगा। मेरठ से प्रयागराज तक बनाए जाने वाले गंगा एक्सप्रेसवे को बलिया तक बनाया जाना है। बलिया से बिहार राज्य की सीमा शुरू हो जाती है। प्रदेश सरकार का लक्ष्य है पश्चिम से पूर्व तक की दूरी एक्सप्रेसवे के जरिए से 5 से 6 घंटे में पूरी हो सके। इसके लिए यूपीडा ने एक्सप्रेसवे का जाल बिछा दिया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे से लिंक किया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे का सबसे ज्यादा अलाइनमेंट उन्नाव में ही है। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे से 7 अन्य हाईवे भी लिंक हो रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए मेरठ में 9 गांवों की 181 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। मेरठ में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया करीब करीब पूरी हो चुकी है। अब मात्र 23 हेक्टेयर जमीन को अधिग्रहण किया जाना है। गंगा एक्सप्रेसवे में मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज शहरों को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की आचार संहिता में करीब 1-2 महीने का समय बचा है। अगले महीने दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। एक्सप्रेसवे के पहले चरण में निर्माण के लिए 94% भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। मेरठ में कृषि विश्वविद्यालय में शिलान्यास कार्यक्रम को किया जा सकता है। यूपीडा गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण 2 चरणों में करेगा। पहला चरण मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर का होगा और दूसरा चरण प्रयागराज से बलिया 314 किलोमीटर का होगा। यूपीडा के मानचित्र के अनुसार आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से उन्नाव से गुजारते हुए लखनऊ रिंग रोड से जोड़ने की कार्य योजना है। यहां से ये सीधा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। इसी स्थान पर लखनऊ रिंग रोड निर्माण को प्रस्तावित किया गया है। वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से गोरखपुर से जोड़ा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अप टू डेट भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।